हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में हम यूटिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, डेफिनेशंस भी उसके डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है, उसके क्या डेफिनेशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट, काइंड्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर। कि अगर किसी भी कंज्यूमर ने कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम किया है तो उससे उसने कितना सेटिस्फैक्शन डेराइव किया है। कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एक कंज्यूमर है और उसने अगर कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम किया है तो उससे उसने कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो इसी हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है, कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही कहलाता है यूटिलिटी। इन दिस वे यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट्स रिलेटिव। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। अ यूजफुल कमोडिटी मे नॉट हियर यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों में डिफरेंस है। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो, और उसकी यूटिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, अर्जेंसी ऑफ वॉन्ट्स। वो गुड्स उसके लिए कितना अर्जेंट है, कितनी इंटेंसिटी है उस कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। अगर वो गुड उसके लिए ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, ज़्यादा नीडफुल नहीं है, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है उसकी उसको, देन उसकी यूटिलिटी इन कंपैरिजन वो कम होगी। देन अगर उसको वो गुड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अर्जेंट है और ज़्यादा जल्दी चाहिए तो उसकी यूटिलिटी कुछ अलग होगी। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों में डिफरेंस होता है। देन आगे देखते हैं, अ कंज्यूमर बायस और डिमांड्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ही डिराइव सम बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज़। तो कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी खरीद रहा है, ठीक है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है तो उससे जो भी वो बेनिफिट डराइव कर रहा है उसके यूज़ से, ही फील्स दैट हिज गिवन वॉन्ट्स इज सेटिस्फाइड बाई यूज़ और कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी परचेज। मतलब जो भी उसने गुड्स ख़रीदा है, जो भी यूज़ किया है या जो भी कंज्यूम किया है तो उससे वो कितना सेटिस्फाइड फील कर रहा है, वो कहलाता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। देन आगे दिया है कि अ कंज्यूमर थिंक्स अबाउट हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी। तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसके डिमांड पे और उसकी यूटिलिटी वो कितना, उससे यूटिलिटी कितना वो डराइव कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉक, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉक, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। उस कमोडिटी की पावर की वो कितना उस पर्टिकुलर ह्यूमन के वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, ऑन द होल इन रीसेंट ईयर्स द वाइडर डेफिनेशन इज़ प्रिफर्ड एंड यूटिलिटी इज आइडेंटिफाइड विद डिजायरनेस रादर देन विद सेटिस्फाइंगनेस। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। देन आगे देखते हैं, अ कमोडिटी विच सेटिस्फाइज एनी टाइप ऑफ वॉन्ट, वेदर मॉरल और इमोरल, सोशली डिज़ायरेबल और इन अनडिज़ायरेबल, हैज़ यूटिलिटी। दैट इज़ अ नाइफ हैज़ यूटिलिटी एज अ हाउस होल्ड अप्लायंस टू अ हाउस वाइफ, बट इट हैज़ ऑल्सो अ यूटिलिटी टू किलर फॉर स्टैबिंग सम बॉडी। तो किसी भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो डिज़रेबल भी हो सकती है, अनडिज़रेबल भी हो सकती है। देन है, यूटिलिटी इज़ साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर मेंटल एटीट्यूड एंड असेसमेंट रिगार्डिंग इट्स पावर टू सेटिस्फाई हिज पर्टिकुलर वॉन्ट। दस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी
में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन पे। साइकोलॉजिकली एवरी कंज्यूमर हैज़ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक। हर कंज्यूमर की अलग लाइक्स और डिसलाइक होती है। हो सकता है किसी एक कंज्यूमर के लिए कोई पर्टिकुलर कमोडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, वही कमोडिटी दूसरे के लिए उसकी यूटिलिटी कम हो। अ कंज्यूमर हु इज़ फॉन्ड ऑफ एप्पल्स मे फाइंड अ हाई क्वालिटी इन एप्पल इन कंपेरिजन टू द कंज्यूमर हु हैज़ नो लाइकिंग फॉर एप्पल्स। सिमिलरली अ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन पर्सन हैज़ नो यूटिलिटी फॉर मटन और चिकन। तो कंज्यूमर जिसको जिस चीज़ की ज़्यादा, अगर कोई कंज्यूमर है अगर उसे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है और दूसरा कंज्यूमर है उसे वो चीज़ नहीं पसंद है, तो उसकी लाइक्स और डिसलाइक पे भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एप्पल्स का, तो कोई वेजिटेरियन है और अगर उसे, कोई भी वेजिटेरियन है और उसे एप्पल पसंद है, तो उसके लिए मटन और चिकन की कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है, यूटिलिटी इज़ ऑलवेज इंडिविजुअल एंड रिलेटिव। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी वेरीज इन डिफरेंट सिचुएशन इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस। तो यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, प्लेस पे डिपेंड करती है। इवन द सेम कंज्यूमर में डिराइव अ हायर और लोअर यूटिलिटी फॉर द सेम कमोडिटी एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेस। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी कोई कंज्यूमर के लिए सेम कमोडिटी जो वो आज कंज्यूम कर रहा था, हो सकता है उसके लिए आज उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू अगर उसे वो 2 महीने बाद यूज़ करता है या फिर 2 दिन बाद यूज़ करता है तो उसकी यूटिलिटी कम हो। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटी डिपेंड करती है उसकी अर्जेंसी पे, कि वो गुड्स कितना अर्जेंट है उसके लिए, ठीक है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन मे फाइंड मोर यूटिलिटी इन वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर देन समर और एट कश्मीर देन एट मुंबई। सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी पर्सन के लिए वुलन क्लोथ्स की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा होगी विंटर के टाइम पे और समर के टाइम पे कम होगी और कश्मीर देन एट मुंबई। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, यूटिलिटी इज़ नॉट नेसेसरी equated with usefulness. Utility means the ability to satisfy a want. Utility का मतलब क्या हुआ? Ability to satisfy a want. A consumer have utility, a commodity have utility, but it may not be useful to the consumer. जैसे यहाँ पे सिगरेट की utility बताई गई है कि example में, कि किसी consumer के लिए अगर वो सिगरेट consume करता है तो उसके लिए उसकी utility ज़्यादा होगी। वही same सिगरेट अगर कोई कंज्यूमर नहीं कंज्यूम करता, अगर उसका हैबिचुअल नहीं है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। यूटिलिटी बीइंग अ सब्जेक्ट फेनोमेना और फीलिंग ऑफ कंज्यूमर cannot be expressed in numerical terms. उसको हम numerical terms में express नहीं कर सकते। So utility cannot measured cardinally or numerically. It cannot be measured directly in a precise manner. Professor Marshall has, however, unrealistically assumed cardinal measurement of utility in his analysis of demand. नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। यूटिलिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट पे भी। यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। अ वॉन्ट विच इज़ अनसेटिस्फाइड एंड ग्रेटली इंटेंस विल इम्प्लाई अ हाई यूटिलिटी फॉर द कमोडिटी कंसर्न टू अ पर्सन। तो यूटिलिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। ये अभी हमने मीनिंग में डिस्कस किया था कि यूटिलिटी उस कितना इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट कितनी है, वो कमोडिटी कितना अर्जेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। अ वॉन्ट विच इज़ अनसेटिस्फाइड, अगर कोई वॉन्ट अनसेटिस्फाइड रहेगी और ग्रेटली इंटेंस है कंज्यूमर उसके लिए, विल इम्प्लाई अ हाई यूटिलिटी फॉर द कमोडिटी कंसर्न टू अ पर्सन। बट व्हेन अ वॉन्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के वॉन्ट में है और उसके लिए बहुत अर्जेंट है और वो अनसेटिस्फाइड रह गया, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी यूटिलिटी हाई होगी। लेकिन अगर वही वॉन्ट सेटिस्फाई हो गया उस कंसर्न पर्सन के लिए, तो उस केस में उसकी यूटिलिटी क्या होगी कंपैरिजन टू पहले से क्या होगी? कम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि बट व्हेन अ वॉन्ट इज सेटिस्फाई इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इट टेंड्स टू एक्सपीरियंस अ लेसर यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी देन बिफोर।
Such an experience is very common and it is described as a tendency of diminishing utility experienced with an increase in the consumption of a commodity. In other words, the more of a thing we have, the less we want. यहाँ पर simply करें, कोई चीज़ अगर हमें ज़्यादा है तो वो हमें कम चाहिए होगी. जैसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. देन आगे देखते हैं, अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट्स कंजम्पशन मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन और एन इंजेक्शन और मेडिकल टैबलेट गिव नो प्लेजर बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द पेशेंट. अब यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि कोई भी कमोडिटी जिसकी यूटिलिटी है लेकिन उसका कंजम्पशन उस कंज्यूमर को प्लेजर नहीं दे रहा है. तो जैसे एग्जाम्पल में बता दिया गया मेडिसिन और इंजेक्शन और जो भी मेडिकल टैबलेट्स होते हैं, उसे पर्टिकुलर कंज्यूमर को कोई भी प्लेजर नहीं मिल रहा है, लेकिन उस पेशेंट के लिए वो ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी इज़ ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. जो यूटिलिटी है, यूजफुलनेस से भी वो डिफरेंट है और सेटिस्फैक्शन से भी डिफरेंट है. यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर दो इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, बट दे हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एज सेम इन अ स्ट्रिक्ट सेंस. दोनों को हम सेम नहीं कह सकते. Different types of utility, अब हम utility की different types discuss करते हैं. In economics, production refers to creation of utility in several ways, thus there are following types of utility. तो first utility है form utility, इसको हम देखते हैं. Form utility क्या है? तो form utility क्या होगी कि किसी भी commodity की utility derive हो रही है किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी पैटर्न पे अगर वो फॉर्म हो रही है तो वो कहलाएगी फॉर्म यूटिलिटी. किस पैटर्न पे वो फॉर्म हो रही है वो यूटिलिटी. नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी. दिस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दस इन मार्केटिंग गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट प्लेस, प्लेस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड. तो यहाँ पे देखते हैं, दिस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दस इन मार्केटिंग गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट प्लेस, प्लेस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड. तो किसी भी गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी. दस इन मार्केटिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट प्लेस, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड. सिमिलरली, व्हेन फूड ग्रेन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम फार्म टू द सिटी मार्केटेड by the grain merchant, place utility is created. Transport services are basically involved in the creation of place utility. In retail trade or distribution services too, place utility is created. Similarly, fisheries and mining also imply the creation of place utility. Place utility of a commodity is always more in area of scarcity than in area of scarcity than in area of abundance. जहाँ पे किसी चीज़ की स्कैसिटी है उसकी यूटिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जहाँ पे वो चीज़ अबंडेंस में है, बल्क में है. फॉर एग्जांपल, कश्मीर एप्पल आर मोर पॉपुलर एंड फेच हायर प्राइस इन पुणे दैन इन श्रीनगर ऑन अकाउंट ऑफ सच प्लेस यूटिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है टाइम यूटिलिटी. स्टोरिंग, होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग सर्टेन गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में लीड टू द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी फॉर सच गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, बाई होल्डिंग और स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट द टाइम of bumper harvest and releasing their stocks for sale at the time of scarcity. Next point देखते हैं, service utility. This utility is created in rendering personal service to the customer by various professionals such as lawyers, doctor, teacher, banker, actors, etc. तो जब हम service देते हैं उससे जो utility derive होती है, जैसे professionals जो भी हो गए, various professionals, lawyer हो गया, doctor हो गए, teachers हो गए, bankers, actor, etc. तो उसे हम कहते हैं service utility. अब next point है कि can utility be measured? क्या हम utility को measure कर सकते हैं?
तो यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूटिलिटी होती है. देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते. प्रोफेसर मार्शल हैज सेड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड इट्स मेजरिंग रॉड इज मनी. द प्राइस विच वी आर रेडी टू पे फॉर एन आर्टिकल इज प्रैक्टिकली इट्स प्राइस. नोबडी विल prepared to pay more than utility which we derive from the article. मतलब हम किसी commodity के लिए कितना willing हैं pay करने के लिए वो हमारी utility बताती है. अगर किसी भी article के लिए हम अगर उसके लिए उससे ज़्यादा pay करने के लिए नहीं ready होंगे जितनी हमें उससे utility derive होगी. For example, if I am ready to pay rupees 1500 for a watch and rupees 2000 for a radio, then I can say that I derive utility from that watch up to rupees value of rupees 1500 and from radio up to value of rupees 2000. यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं कोई वॉच के लिए 1500 पे करने के लिए रेडी हूँ और रेडियो के लिए 2000 पे करने के लिए रेडी हूँ, तो हम कह सकते हैं कि जो डिराइव यूटिलिटी हम जो उस कमोडिटी से जो यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू जैसे वॉच के लिए 1500 रुपीज़ के लिए है और रेडियो के लिए 2000 रुपीज़ के लिए, तो उसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे मेज़र कर रहे हैं, मनी के टर्म्स में. द इन्फ्रेंस विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इज दैट प्राइस विच वी पे फॉर एनी आर्टिकल इज यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम दैट आर्टिकल. तो इससे ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि किसी भी कमोडिटी के लिए जो हम प्राइस पे करना चाहते हैं वो उतना ही हम पे करना चाहते हैं जितना कि हम उस आर्टिकल से यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं. दे आर ऑफ दिस ओपिनियन दैट मेजरिंग ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न. कुछ रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी मेज़र नहीं कर सकते. यूटिलिटी इज़ पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट व्यू विच कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक गुड्स. पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट है कि यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. हर पर्सन के लिए अलग अलग यूटिलिटी है. कि हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए कमोडिटी ए की यूटिलिटी ज़्यादा हो और उसी सेम कमोडिटी ए की वैल्यू दूसरे पर्सन के लिए डिफरेंट हो. तो यूटिलिटी इज़ ऑलवेज चेंजेबल एंड इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस. और सेम पर्सन के लिए सेम गुड्स की यूटिलिटी चेंज हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग. देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर सच थिंग्स हु इज़ ऑफ चेंजेबल नेचर. नेक्स्ट है फर्दर मेजरिंग मटीरियल मनी इज़ नॉट स्टैटिक. वैल्यू ऑफ मनी भी क्या हो रही है, चेंज होती है हमेशा, ऑलवेज चेंजेस. देयरफॉर करेक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. तो करेक्ट मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी. डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के यूटिलिटी होते हैं. यूटिलिटी आर ऑफ थ्री काइंड्स. फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड है टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड वन इज़ एवरेज यूटिलिटी. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डराइव फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी परचेज और अक्वायर्ड बाई द कंज्यूमर. मतलब हम जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट परचेज कर रहे हैं, उससे जो हमें यूटिलिटी डराइव हो रही है, उस कंजम्पशन से, एक्स्ट्रा यूटिलिटी के कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी डराइव हो रही है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज़ द नेट एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी मेड बाई द यूटिलिटी ऑफ द एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इन इट्स टोटल स्टॉक. इट हैज़ बिन सेड एज द लास्ट यूनिट इन द गिवन टोटल स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी ऑफ द कमोडिटी इज द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन इट्स कंजम्पशन. For example, suppose Mr. Shankar is consuming bread and he takes 5 breads. By taking first unit, he derive utility up to 20. Second unit से उन्हें 16 unit derive हो रहा है. Third unit से he derive 12 units. Fourth unit 8 and from fifth 2. In this example, the marginal unit is fifth bread and marginal utility derive is 2. If we will consume only 4 bread, then marginal utility will be 4th bread and utility will be 8. उसको हम डिटेल में एकदम उससे डिस्कस करेंगे. टेबल के फॉर्म में बना के मैं आप लोग को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैसे मार्जिनल यूटिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम एवरेज यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं.
आगे देखते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट इफ अ मैन इज कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर गुड देन रिसीविंग ऑफ नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड रिड्यूसेज द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड अल्टीमेटली अ सिचुएशन कम व्हेन यूटिलिटी गिवन बाय द गुड्स बिकम जीरो एंड इफ द यूज ऑफ गुड स्टिल कंटिन्यूज देन नेक्स्ट यूनिट विल गिव्स डिस यूटिलिटी। ये सिंपल सी बात बोलेगी कि कोई भी कमोडिटी अगर कोई कंज्यूमर एक लिमिट तक कंज्यूम करता है तो वो पहले तो वो डिक्रीज होती जाएगी, कि मतलब अगर उसने एक कमोडिटी कंज्यूम की एक यूनिट तो उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ज़्यादा यूटिलिटी, फिर नेक्स्ट यूनिट पे वो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में, फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में उसको थोड़ा कम यूटिलिटी डिराइव होगा, देन ऐसे करते करते यूटिलिटी उसकी डिक्रीज होने लगेगी। और अगर वो फिर भी आगे कंटिन्यू करता है अपनी कंजम्पशन को तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो यूटिलिटी नहीं दिस यूटिलिटी डिराइव होगा। तो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट वी विल डिराइव नेगेटिव यूटिलिटी, उस केस में जो यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम बेटर टेबल की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल दिया है मार्जिनल यूटिलिटी का, ब्रेड कंज्यूम कर रहा है कोई कंज्यूमर 1 से 7 तक, 1 यूनिट पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल रही है, देन 2 पे 16, 3 पे 12, ऐसे एक पॉइंट तक, मतलब 5th यूनिट तक तो उसको पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है। देन जब वो 6 पॉइंट पे आ रहा है तो उसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जा रही है। देन जब वो 7 पॉइंट पे आ रहा है तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी अब एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगी उसकी यहाँ पे यूटिलिटी। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। फ्रॉम द टेबल गिवन अबव इट इज़ क्लियर दैट अप टू द कंजम्पशन ऑफ 5th ब्रेड वी रिसीव पॉजिटिव यूटिलिटी। 6th यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन, utility derived from that unit is zero. From the 7th unit the utility will receive negative utility. The table can represent in the shape of diagram following the diagram. Number 1, OX axis line show unit of bread and OY line shows marginal utility receive. तो ये diagram है जहाँ पे जो OY है ये marginal utility को बता रहा है, OX यूनिट्स को बता रहा है, और किस पॉइंट पे वो कितना यूटिलिटी डिराइव कर रहा है ये हमें दिख रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज यूटिलिटी और ज़ीरो यूटिलिटी ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।